India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिया महिलाओं के हक में बड़ा फैसला, कहा शादी के आधार पर महिलाओं को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, पीड़िता को 60 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश। मेडिकल इंटर्नशिप कट ऑफ डेट मसले पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया इंटर्नशिप कट ऑफ डेट पर विचार चल रहा है, इंटर्नशिप समय सीमा बढ़ाने पर उम्मीदवारों की शिकायत पर हो रही है सुनवाई। नहीं रहे मशहूर अधिवक्ता फली नरीमन, 95 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। 70 साल के यादगार करियर में लड़े कई यादगार केस, नागरिक स्वतंत्रता के रहे पैरोकार। India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट से जुड़ी खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की एक परमानेंट कमीशन्ड ऑफिसर को 60 लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया है, जिसे 1988 में शादी के बाद नौकरी से निकाल दिया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि कोई भी कानून जो महिला कर्मचारियों की शादी और उनके घरेलू कार्यों को नौकरी छोड़ने का आधार बनाता है वो असंवैधानिक है। महिलाओं के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि शादी के आधार पर महिलाओं को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, महिला कर्मियों को शादी के अधिकार से वंचित करने का आधार बनाने वाले नियम असंवैधानिक है। ये पितृसत्तात्मक नियम है जो मानवीय गरिमा को कमजोर करते हैं। ये नियम निष्पक्ष व्यवहार के अधिकार को कमजोर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा सेवाओं में लैंगिक भेदभाव खत्म करने को एक और प्रहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने केंद्र सरकार को शादी के आधार पर सेवा से बर्खास्त की गई सैन्य नर्सिंग अधिकारी को 60 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता सेलिना जॉन के लिए 26 साल पुरानी कानूनी लड़ाई का अंत हो गया। शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया, किसी महिला की शादी हो जाने के कारण उसका रोजगार समाप्त करना लैंगिक भेदभाव और असमानता का सटीक मामला है। ऐसे पितृसत्तात्मक नियम को स्वीकार करना मानवीय गरिमा, भेदभाव के खिलाफ अधिकार और निष्पक्ष व्यवहार की अवधारणा को कमजोर करता है। इस मामले में याचिकाकर्ता को सैन्य नर्सिंग सेवाओं के लिए चुना गया था और वह दिल्ली के आर्मी अस्पताल में प्रशिक्षु के रूप में शामिल हुई थी। बाद में तरक्की के साथ उन्हें NMS में लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन दिया गया था। फिर सेलिना ने एक सेना अधिकारी मेजर विनोद राघवन के साथ विवाह कर लिया। हालांकि लेफ्टिनेंट के पद पर सेवा करते समय उन्हें सेना से रिलीज कर दिया गया। संबंधित आदेश में उन्हें बिना किसी कारण बताओ नोटिस या सुनवाई या बचाव करने का अवसर दिए बिना उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी। आदेश से ये भी पता चला कि महिला को शादी के आधार पर हटाया गया था। सेना के NMS में सेवा नियमों में सेवा मुक्ति के लिए इस प्रावधान की दुहाई दी गई। इसके लिए तीन स्थितियों के तर्क दिए गए। ए, मेडिकल बोर्ड से सशस्त्र बलों में आगे की सेवा के लिए अयोग्य घोषित किए जाने पर। बी, शादी होने पर। और
सी कदाचार अनुबंध का उल्लंघन या असंतोषप्रद सेवा पाए जाने पर। विवाह के बाद ये मामला सशस्त्र बल न्यायाधिकरण लखनऊ के समक्ष लाया गया। प्राधिकरण ने ये विवादित आदेश रद्द कर दिया। इसके साथ ही सेलिना को सभी लाभ और बकाया वेतन भी देने का आदेश दिया गया। ट्रिब्यूनल ने उनकी सेवा बहाली की भी इजाजत दे दी। इसे चुनौती देते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने कहा कि ये नियम केवल महिलाओं पर लागू होते हैं, इन्हें स्पष्ट रूप से मनमाना माना जाता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि 1977 की सेना निर्देश संख्या 61 को वापस ले लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो इंटर्नशिप की समय सीमा बढ़ाने के संबंध में नीट एमडीएस उम्मीदवारों की शिकायतों पर गौर कर रही है। इस पर ध्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मास्टर इन डेंटल सर्जरी कोर्स नीट एमडीएस 2024 के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने और इंटर्नशिप पूरा करने की कट ऑफ डेट बढ़ाने की याचिका पर कोई आदेश पारित नहीं किया और केंद्र सरकार को याचिकाकर्ताओं से अभ्यावेदन प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने की अनुमति दी। प्रवेश परीक्षा 18 मार्च को होने वाली है। वर्तमान में उम्मीदवार 31 मार्च या उससे पहले अपनी इंटर्नशिप पूरी करने पर ही परीक्षा देने के पात्र हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने की अनुमति दी। ये घटनाक्रम तब हुआ जब अदालत को सूचित किया गया कि केंद्र सरकार ने मामले को समझ लिया है और उसने नेशनल डेंटल मेडिकल कमीशन से उन स्टूडेंट की संख्या के बारे में जानकारी मांगी है जो वर्तमान समय सीमा से प्रभावित होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नीट एमडीएस 2024 परीक्षा को पुनर्निर्धारित करने और इंटर्नशिप पूरा होने की तारीखों को संशोधित करके पात्रता के लिए कट ऑफ बढ़ाने की मांग की गई। पिछले अवसर पर याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंसाल्वेस ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जहां कुछ उम्मीदवारों ने अपनी इंटर्नशिप पूरी कर ली है और नीट एमडीएस 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, वहीं कई अन्य 31 मार्च से आगे इंटर्नशिप पूरा होने की तारीखों के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके। इस शैक्षणिक वर्ष के लिए नीट एमडीएस आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 19 फरवरी थी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जनजाति की स्थिति वाला व्यक्ति दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उसी लाभ का दावा नहीं कर सकता जहां वो अंततः स्थानांतरित हो गया है, जहां जनजाति एसटी के रूप में अधिसूचित नहीं है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की खंडपीठ ने इसके अलावा ये भी माना कि संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत दिए गए राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना किसी भी आदिवासी समिति के एसटी होने के लिए आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 342 में कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श पर किसी भी आदिवासी समुदाय को एसटी के रूप में निर्दिष्ट करेंगे। ताजा मामला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से संबंधित है, जहां राष्ट्रपति ने एसटी समुदाय को अधिसूचित नहीं किया। खंडपीठ ने आगे कहा, अनुच्छेद 342 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजाति के रूप में जनजाति या जनजातीय समुदाय की राष्ट्रपति अधिसूचना किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उक्त समुदाय को कोई भी लाभ देने के लिए अनिवार्य शर्त है। अपीलकर्ता चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए मकान आवंटन के लिए आवेदन मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील पर फैसला करते हुए इस संबंध में कुछ ऐतिहासिक फैसलों का हवाला दिया। इसमें
मैरी चंद्र शेखर राव बनाम डीन सेठ जी एस मेडिकल कॉलेज शामिल है, जिसमें ये देखा गया कि जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे राज्य में स्थानांतरित होता है जिसके पास उसके लिए कोई विशेष अधिकार नहीं है, तो ये समानता के अधिकार पर प्रभावित नहीं होता है। और आइए अब इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से जानते हैं कि यूपी गैंगस्टर एक्ट क्या है। फरहाना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की धारा 3 की उपधारा 1 के तहत आरोप शुरू करने का फैसला सुनाया है। गैंगस्टर अधिनियम के लिए सबूत की आवश्यकता होती है कि आरोपी एक गिरोह के सदस्य के रूप में भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराधों के अंतर्गत आने वाली असामाजिक गतिविधियों में संलग्न है। पीठ ने अभियोजन पक्ष को स्पष्ट रूप से यह बताने की आवश्यकता पर जोर दिया है कि आरोपी पर असामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत आने वाले अपराधों के लिए आरोप लगाया जा रहा है, जैसे कि अधिनियम की धारा 2B के तहत परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया था कि यदि आरोपी को आईपीसी अध्याय 17 के तहत अपराध से मुक्त कर दिया जाता है तो गैंगस्टर एक्ट अभियोजन जारी रहेगा। अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग नतीजतन आरोपियों के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी गई। राजस्थान उच्च न्यायालय ने भारत सरकार और राजस्थान सरकार को उस महिला को 4 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया जिसे 2016 में 2 बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर किया गया था, जिनकी बाद में बीच सड़क पर मृत्यु हो गई थी। न्यायमूर्ति अनूप कुमार ने कहा कि महिलाओं ने खेडली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात कर्मचारियों के लापरवाही भरे व्यवहार के कारण दोनों बच्चों को खो दिया। अदालत अधिकारियों को कानून के अनुसार दोषी व्यक्तियों के खिलाफ विभागीय जांच पूरी करने का भी निर्देश दिया। इसने इस संबंध में निष्क्रियता की निंदा की। 7 अप्रैल 2016 को याचिकाकर्ता फूलमती नाम की एक महिला को ममता कार्ड नहीं होने के कारण इलाज देने से मना कर दिया गया था, जिसे गर्भवती महिलाओं के लाभ के लिए शुरू किया गया था। बाद में उसने बच्चों को सड़क पर ही जन्म दे दिया। इनमें से एक की अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई, जबकि दूसरे की इलाज के अभाव में मृत्यु हो गई। उन्होंने 2016 में उच्च न्यायालय का रुख किया और दोषी स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और गर्भवती महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की मांग की। न्यायालय ने शुरुआत में कहा कि शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना NMBS, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना NFBS, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM, जननी सुरक्षा योजना JSY, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK जैसी कई योजनाएं बनाई गई हैं। योजनाओं के कार्यान्वयन में केंद्र की भूमिका पर न्यायालय ने कहा कि भारत सरकार केवल तकनीकी आधार पर अपनी देयता से बच रही है कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। न्यायालय ने रेखांकित किया, स्वास्थ्य का अधिकार केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय अभियान है और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी भारत संघ के कंधों पर पूरी तरीके से होनी चाहिए। न्यायालय ने जीवन को संरक्षित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए चिकित्सा पेशेवरों के कर्तव्य पर भी टिप्पणी की। वर्तमान मामले में यह पाया गया कि घोर लापरवाही और विफलता थी। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता 3 साल की अवधि पूरी होने के बाद ही सावधि जमा को भुना सकेंगे। इसके अलावा अदालत ने 3 महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को 25,000 का भुगतान करने का भी आदेश दिया। योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उनकी प्रार्थना के संबंध में न्यायालय ने भारत संघ और राजस्थान सरकार को एक संयुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करके
कमियों को दूर करने का निर्देश दिया। और उधर मशहूर कानूनविद और एडवोकेट फाली एस नरीमन का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। संवैधानिक मामलों के जानकार होने के साथ ही वो नागरिकों की स्वतंत्रता के बहुत बड़े पैरोकार थे। नरीमन को साल 1991 में पद्म भूषण और 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उनके बेटे आर नरीमन सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक एडवोकेट के रूप में वो अपनी सेवाएं दे चुके थे। एक वकील के तौर पर उनका करियर लगभग 70 साल का रहा। फली एस नरीमन एक ऐसा नाम जो न सिर्फ वकील रहा बल्कि संविधान का रक्षक भी। फली एस नरीमन का जन्म रंगून में 10 जनवरी 1929 में हुआ था। नरीमन की कानूनी यात्रा 1950 में शुरू हुई जब उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक वकील के रूप में काम करना शुरू किया। नवंबर 1950 में फली एस नरीमन बॉम्बे हाईकोर्ट में वकील के तौर पर रजिस्टर हुए। उन्हें 1961 में वरिष्ठ वकील का दर्जा दिया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद नरीमन ने 1972 में भारत की सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और नरीमन मई 1972 में भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त हुए। फली एस नरीमन को जनवरी 1991 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वहीं 2007 में उन्हें पद्म भूषण दिया गया। वरिष्ठ वकील के साथ वे 1991 से 2010 तक बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे। नरीमन का कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी ऊंचा था। नरीमन 1979 से 2005 तक इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता कोर्ट के उपाध्यक्ष भी रहे। वे 1995 से 1997 तक जेनेवा के कानूनविदों के अंतर्राष्ट्रीय आयोग की एग्जीक्यूटिव कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। 38 साल से भी कम उम्र में नरीमन ने हाई कोर्ट के जज बनने का निमंत्रण ठुकरा दिया था। इंदिरा गांधी की सरकार में उन्हें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाया गया। 1975 में इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की तब फली एस नरीमन ने इंदिरा गांधी के इस फैसले का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नरीमन ने 99 संविधान संशोधन अधिनियम जिसे आमतौर पर NJAC एक्ट के नाम से जाना जाता है उसके खिलाफ दलीलें दी थी। इस एक्ट में जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका को हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया था। नरीमन ने 1993 के सेकंड जज केस और 1998 के थर्ड जज केस में भी तर्क दिया जिससे वह सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम को अपनाने के लिए राजी करने में सफल रहे। नरीमन की कानूनी कुशलता उनके ऐतिहासिक दलीलों में झलकती है जो संविधान के इकबाल को बनाए रखने और आम लोगों के अधिकारों की रक्षा की पैरवी करती थी। सो माई ग्रेट पॉइंट इज दैट द ग्रेट डिवाइड दिस वॉल ऑफ सेपरेशन रियली स्टार्टेड विद द ब्रिटिश कंट्री क्लब। For instance, I still remember Sir Jamsetji Kanga telling me that in the Willingdon Sports Club, yes, Mumbai, where Lord Willingdon was invited for lunch, yes, and ultimately he was the person who regaled the audience by telling them, yes, that why this club was set up in his own name was because before that club, there was only one club called the Baikala Club, yes, where only British and the whites were permitted. Yes. When they invited the then home member, I forget his name now, he was an Indian. Okay. And he was invited for lunch. He accepted the lunch invitation. When he came there, he was said, denied sorry, entry. Natives are not permitted. नरीमन ने दिसंबर 1984 में
भोपाल गैस रिसाव कांड में यूनियन कार्बाइड कंपनी की तरफ से मुकदमा लड़ा और उनकी घोर आलोचना हुई। बाद में जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें यूनियन कार्बाइड का केस लड़ने से पछतावा है, तो उन्होंने बेहिचक कहा कि आज की तारीख में वो मुकदमा मिलता तो वह निश्चित रूप से इसे अपने हाथ में नहीं लेते। निष्ठा का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार और समानता का अधिकार जैसे मामलों में उनकी दलीलों ने कानूनी पहलू को फिर से परिभाषित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंड अप।